नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ जाना, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आप मुंबई में याट की सवारी करना चाहते हैं और उसमें थोड़ा समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे अगर याट में आप सफर करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा देना होगा। अगर आप याट को किराए पर लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसकी सवारी के लिए प्रति व्यक्ति आपको 1300 से 1400 रुपए देने होंगे। यह मूल्य याट की लग्जीरियस होने के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। इसमें कई ऐसी याट भी हैं जिसके लिए आपको 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति भी देना पड़ सकता है। याट की सवारी एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसे में मुंबई के समुद्र में याट पर सफर करना बेहद ही खूबसूरत यादगार पल हो सकता है। आपको बता दें कि याट पर बुकिंग से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप कितने लोगों की बुकिंग करा रहे हैं, क्योंकि याट कई प्रकार की आती हैं। कोई 26 सीटर होती है, कोई 6 सीटर होती है, कोई 10 सीटर होती है, तो उस हिसाब से आपको बुकिंग करानी होगी। याट पर अधिकतम समय 2 घंटे ही आप व्यतीत कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप समय व्यतीत करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।